बॉयज़, एक और चीज़ मैं आपको जल्दी से बता दूं, आप में से काफ़ी से लोग अभी कंफ्यूज होंगे कि कावासाकी H2R तो रोड लीगल नहीं है, तो आपने कैसे मंगवा लिया, क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली। तो बॉयज़, इन चीज़ों का हमें भी पता था, और अमेरिका और कनाडा के अंदर कावासाकी H2R की रोड लीगल किट जो है वो अवेलेबल है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इट्स नॉट रोड लीगल बिकॉज इसकी फ्रंट हेडलाइट्स, साइड मिरर और इंडिकेटर्स नहीं होते, ये तीन रीजंस हैं। और हमने वो रोड लीगल किट इस बाइक के साथ ही परचेस कर ली थी कनाडा में। इट कॉस्ट अराउंड $2,000। साइड मिरर होता है जो कि हैंडल बार के ऊपर लगता है, ऐसे करके ये नट ओपन होता है और यहाँ पे ऐसे करके गोल सा साइड मिरर होता है, तो साइड मिरर इंस्टॉल होते हैं। दूसरा, फ्रंट हेडलाइट जो है वो जहाँ पे H2 की हेडलाइट की जगह होती है उसके नीचे ये स्पेस होती है, यहाँ पे वो स्टिकी होती है, आराम से रिमूव हो जाती है और इस जगह पे लग जाती है और आपके बाइक के साथ कनेक्ट हो जाती है। और इसी तरह स्टिकी वो होते हैं आपके इंडिकेटर्स जो यहाँ पे लगते हैं फ्रंट और बैक के ऊपर, और वो भी आपके बाइक के साथ कनेक्ट हो जाते हैं।